फिनिक्स प्लासियो मॉल के नाम आज एक नया कीर्तिमान जुड़ गया है। फिनिक्स प्लासियो मॉल को भारत के सबसे सुंदर मॉल के रूप में प्रसिद्ध संस्था प्रिक्स बार्कलेज द्वारा मान्यता दी गई है। आप देख सकते हैं यही वो सर्टिफिकेट है जो फ्रांस की ये प्रसिद्ध संस्था है जो दुनिया भर में आर्किटेक्चरल चीजें जो अलग तरह की होती हैं सबसे सुंदर होती हैं उनको सर्टिफिकेट प्रदान करता है कि ये स्ट्रक्चर काफी सुंदर है। तो पूरे भारत से लगभग 100 नॉमिनेशन थे मॉल्स और प्रतिष्ठानों के, लेकिन लखनऊ स्थित फिनिक्स प्लासियो मॉल को उनमें से चुना गया और भारत का ये एकमात्र चुना गया मॉल है जिसको इस तरह का सर्टिफिकेशन मिला है। इसके साथ साथ फिनिक्स प्लासियो मॉल के कंपाउंड में आज एक बहुत ही सुंदर अशोक वाटिका भी बनाई गई है। आप देख सकते हैं ये अशोक वाटिका है जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। इसमें अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके इसको पूरी सुंदरता दी गई है। काफी अलग अलग मटेरियल्स है इसमें और इसकी खासियत यह है कि इसमें लाइव फाउंटेन बनाए गए हैं जो लगातार चलते रहते हैं और इसकी सुंदरता एक स्पेशल है कि यहाँ दो मयूर बनाए गए हैं जिनको मोर भी हम कहते हैं, वो काफी सुंदर है। इनमें क्रिस्टल आदि सभी चीजों का प्रयोग किया गया है। इसकी लॉन्चिंग के लिए आज एक विशेष कार्यक्रम फिनिक्स प्लासियो मॉल में रखा गया है। आइए चलते हैं इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा भी शामिल होंगी जो इस अशोक वाटिका का उद्घाटन करेंगी। नमस्कार लखनऊ, मैं एक बार फिर से आपके सामने संजीव सरीन। मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है आज ये बताते हुए कि हमें कुछ समय पहले प्रिक्स वर्साले जो कि फ्रांस की एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व में जो बहुत ही व्यापक स्तर पे ब्यूटीफुल खूबसूरत स्ट्रक्चर बनते हैं, मॉल बनते हैं या कोई और ऑफिसेज बनते हैं या कोई और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनको अवार्ड करती है। प्रिक्स वर्साले एक बहुत ही बड़ी संस्था है और वर्ल्ड में केवल एक यही संस्था है जो कि आर्किटेक्चरल ब्यूटी और उसके साथ साथ जी मॉल की परफॉर्मेंस के ऊपर अवार्ड देती है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फिनिक्स प्लासियो पहला ऐसा मॉल है इंडिया का जिसको ये अवार्ड मिला है। वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल मॉल में हमें शामिल किया गया है प्रिक्स वर्साले फ्रॉम फ्रांस पेरिस, जिन्होंने ये हमें अवार्ड दिया है। हम काफ़ी टाइम से इस अवार्ड का लॉन्च करना चाह रहे थे लेकिन सिंस ये अवार्ड हमें फ्रांस से मिला था पेरिस से, इसका जो प्लाक है जो पत्थर होता है वो फ्रांस से इम्पोर्ट किया गया है, उसको आने में काफ़ी टाइम लग गया। तो आज हमने अशोक वाटिका जो कि हमने दिवाली के लिए एक बहुत ही भव्य इंस्टॉलेशन किया गया है जो कि हमारी सीता जी और राम जी की याद में है। सीता जी ने अपने यहाँ पे बहुत अच्छी एक समय था जिसमें जो यहाँ बिताया था जो कि उनके लिए काफ़ी दर्दनाक रहा, लेकिन जब हनुमान जी आए उसके बाद से उनको रे ऑफ होप दिखाई दी। और ये लंका की अशोक वाटिका हमने ये आज इसलिए बनाई है ताकि हम लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें और ये बहुत ही भव्य और सुंदर अशोक वाटिका का निर्माण हमने किया है। इसके साथ में काफ़ी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हमने इंस्टॉल किए हैं इस दिवाली के उपलक्ष्य पे। मैं चाहूँगा हमारी लखनऊ की पब्लिक आए और इसको एक्सपीरियंस करे क्योंकि फिनिक्स, आप जानते हैं फिनिक्स प्लासियो हमेशा से कुछ अलग और डिफरेंट करना की कोशिश करता है और आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ये वही प्रयास है आपके लिए, आप आइए और इसको एक्सपीरियंस कीजिए और अपनी शॉपिंग का ढेर सारा फायदा उठाइए बिकॉज इस बार हम दिवाली पे शॉपिंग को और भी बहुत बड़े तौर पे लेके आए हैं। ऑफर्स बहुत ढेरों ऑफर्स हैं, जनरली दिवाली पे ऑफर्स नहीं मिलते हैं बट ये एक ऐसा मॉल है जहाँ पे मॉल खुद अपनी तरफ से दिवाली पे ऑफर्स दे रहा है। आप लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं, MG हेक्टर जीत सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप जीत सकते हैं और काफ़ी ढेर सारे और इनाम हैं। इसके अलावा हम धनतेरस पे आपको चांदी के सिक्के भी देंगे आपकी शॉपिंग के साथ जो कि कनेक्टेड हैं। तो मैं चाहूँगा लखनऊ के सभी निवासी यहाँ आएँ और इस बेहतरीन ऑफर्स का और ये बेहतरीन रेंज मर्चेंडाइजिंग जो है हमारी इसका फ़ायदा उठाएं, इसको हाथ से ना जाने दें। अशोक वाटिका मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमने पिछले साल जब हमने डेकोर किया था तभी इसे हमारे दिमाग में था। पिछले साल हमने रंगमंच और नृत्य के ऊपर हमने प्रेजेंटेशन किया था, बिरजू प्रसाद जी को भी बुलाया था
तो वो भी काफी बहुत सक्सेसफुल रहा था, तो तब हमने उसी समय से हमने प्लान करना शुरू कर दिया था कि हम नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसा करेंगे जो कि लार्जर देन लाइफ होगा। और क्योंकि आप सभी जानते हैं लखनऊ के सेंटीमेंट्स, यूपी के सेंटीमेंट्स जुड़े हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और दिवाली मनाई जाती है राम जी के वापस वनवास से वापस आने के लिए, तो हमने सोचा अशोक वाटिका और सीता जी हमेशा छूट जाती हैं, तो सीता जी को एक हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि हम उनकी लोगों को याद दिलाएं कि सीता जी ने भी वनवास में सबसे कठिन समय जो था वो सीता जी के साथ था, क्योंकि वो रावण के इसमें एग्जाइल में रही। और हम चाहते हैं कि लोग आएं और इस अशोक वाटिका को भी देखें जो हमने क्रिएट की है, सोने की लंका में सोने से भी खूबसूरत हमने अशोक वाटिका बनाई है। इसको लगभग 60-65 दिन लगे इसको बनाने के लिए, और हमने दिल्ली से एजेंसीज हायर करी थी जो कि इसको बना सके। हमने कॉन्सेप्ट दिया उनको और काफ़ी टाइम लगा, 3 से 4 महीने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्किंग हुई, उसके बाद उन्होंने बनाना शुरू किया और 65 दिन लगे इसको बनाने में, और आज हम ये सक्सेसफुल भव्य स्ट्रक्चर आपके लिए लेके आ पाए हैं। ये केवल 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 हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है लखनऊ निवासियों की वजह से, इसीलिए हम ये इतना अच्छा कर पाते हैं। मैं चाहता हूँ लखनऊ निवासियों से कि इसी तरीके से हमें प्रोत्साहित करते रहें और अपना प्यार लखनऊ पलासियों, फिनिक्स पलासियों के लिए बिखेरते रहें। मटेरियल में इसमें MDF, स्टेनलेस स्टील और फाइबर, सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। साथ साथ में हमने लाइव फाउंटेन भी डाला है इसमें, आप देख रहे हैं यहाँ पीछे 2-3 फाउंटेन है, और मयूर जो बनाए हैं उसमें क्रिस्टल्स डाले गए हैं, जो मयूर 2 मयूर हैं इसमें बहुत ही भव्य रूप से सामने आए हैं और लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं। सब लोग आके इसको सेल्फी पॉइंट की तरह इसमें फोटो खिंचा रहे हैं, और हम चाहते हैं आप भी आएं और इसका एक्सपीरियंस लीजिए, और ये बहुत ही भव्य है। रियली इट्स गिविंग अ वेरी वेरी ऑपुलेंस एक्सपीरियंस। आई वॉन्ट ऑल फीनिक्स, ऑल लखनऊ पीपल टू कम टू फीनिक्स पलासियो एंड एक्सपीरियंस। सबको नमस्कार, आज हम लोग आए हैं फीनिक्स पलासियो मॉल में। ये जो खूबसूरत सी अशोक वाटिका जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, उसका आज विमोचन हुआ और बॉलीवुड की एक बहुत ही बड़ी अभिनेत्री ने इसका विमोचन किया। और ये जो मॉल है फिनिक्स पलासियो, ये लखनऊ वासियों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यहाँ की जो वाइब है, जिसे नहीं कहते, हर जगह पे एक आत्मा होती है जो विराज करती है, यहाँ की वाइब इतनी सुंदर है कि यहाँ पे मैं लगभग हर दूसरे दिन आती हूँ, किसी ना किसी वजह से काम ढूंढती हूँ, और एंड आई ट्राई एंड कम हियर एंड लॉट्स ऑफ विशेज टू द एंटायर टीम ऑफ फिनिक्स पलासियो एंड ऑल्सो टू मिस्टर संजीव सरीन, जो इंश्योर करते हैं कि उनके मेजोरिटी गेस्ट, उनके क्लाइंट्स सबके सब, सबको वो हमेशा याद भी रखते हैं, इंश्योर करते हैं कि सबकी मैक्सिमम विजिट्स भी हों। बट इस पूरी टीम की जितनी तारीफ और सराहना की जाए वो बहुत कम है। इट्स एब्सोल्युटली अ ब्लेसिंग टू ऑल लखनऊआइट्स, इनफैक्ट टू द एंटायर यूपीआइट्स। ऐसा सुनने में आया है कि इस हिंदुस्तान के इस शॉपिंग मॉल को अपनी आर्किटेक्चुरल ब्यूटी के लिए बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, और ये वर्थ इट है। आई एम ग्लैड कि इस लेवल का आर्किटेक्चर हमारे देश में बन रहा है, और बहुतों के लिए ये मिसाल की बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। फिनिक्स पलासियो मॉल में बनाई गई अशोक वाटिका का उद्घाटन आज फिल्म अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा के द्वारा किया गया। आज एक दोहरा खिशु का मौका था कि फिनिक्स पलासियो मॉल को भारत के सबसे सुंदर मॉल के रूप में तथा दुनिया के सुंदर मॉलों में मान्यता मिल गई है। इसी अवसर पर सानिया मल्होत्रा आज लखनऊ में थी, जिन्होंने फिनिक्स पलासियो मॉल में बनाई गई अशोक वाटिका का उद्घाटन किया। जब हमने बात करी इस पर फिनिक्स मिल्स लिमिटेड के सीनियर सेंट्रल डायरेक्टर संजीव सरीन जी से, तो उनका कहना था कि हमें काफ़ी खुशी हुई कि हम भारत के सबसे सुंदर मॉल के रूप में मान्यता पाए हैं, फ्रांस की प्रतिष्ठित संस्था ने हमको मान्यता दी है, और हमारा हमेशा कोशिश रहती है कि हम त्योहारों के अवसर पर अपने ग्राहकों के लिए कुछ स्पेशल कर सकें। तो ये अशोक वाटिका जो तैयार की गई है, ये उसी का ही एक उदाहरण है, और हमने पूरी तरह से इसमें कोशिश की है कि लोगों को एक अलग अनुभव दे सके। इसके साथ साथ उन्होंने दिवाली सीजन के ऑफर्स के बारे में बताते हुए कहा कि फिनिक्स पलासियो मॉल में दिवाली सीजन पे कई सारे ऑफर्स आने वाले हैं, आप यहां आइए और अपनी खरीदारी को और भी अच्छा बनाइए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी लखनऊ।
हूँ।